हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बनाएंगे अंडे की एक नई रेसिपी जो कि पटना की फेमस स्ट्रीट फूड है। तो क्योंकि मैं पटना से हूँ तो आज मैं आप लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम लेंगे एक चौली पैन, अगर आपके पास हो तो पैन ही ले। उसमें डालेंगे हम ऑयल, ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए उसमें डालेंगे बटर। बटर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बटर जब अच्छे से गर्म हो जाए उसमें डालेंगे एकदम महीन कटी हुई हरी मिर्च और क्रश की हुई अदरक और लहसुन, और इन सभी चीज़ों को हम 15 से 20 सेकेंड हाई फ्लेम पर पकाएँगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, हम इसे हल्की ही पकाएँगे। और आप देख सकते हैं कि मैंने इन सभी चीज़ों को ज़्यादा नहीं पकाया है। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एग, जिसे मैंने दो टुकड़ों में कट कर लिया है। ये बॉयल एग है और जो ये येलो वाली साइड है उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे। तो सारी एग को हमने फैला लिए हैं पैन में और अब हम इसके ऊपर डालेंगे कटी हुई सब्जी। तो सभी सब्जी को मैंने यहाँ पर टुकड़ों में कट कर लिया है, तो आपको इसी तरह सब्जी को कट करना है और सभी को हम फैलाते हुए अंडे के ऊपर डालेंगे। और सभी सब्जी डालने के बाद इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसके नाम और क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। फिर हम एकदम महीन कटी हुई टमाटर डालेंगे और इसे हम कवर कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट पकने देंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, तो 5 मिनट में जो है वो अंडे जो है एक साइड से पक चुके हैं, तो हम इसे पलट देंगे। तो यहाँ पे मुझे 5 से 7 मिनट लगे हैं, आपको ज़्यादा भी लग सकती है, कम भी लग सकती है। तो जब अंडे एक साइड से पक जाए उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे अंडे को पलट लिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे खूब सारा कटी हुई धनिया और फिर से हम इसे कवर कर देंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो सब्जी है वो थोड़ी बहुत पक चुकी है। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, तो इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे, और क्योंकि हमारी अभी जो सब्जी है और मसाले हैं वो अच्छे से नहीं पके हैं, इसलिए हम इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो अब यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि साइड से जो है वो ऑयल भी ऊपर आ चुकी है, मतलब कि सब्जी भी हमारी अच्छे से पक चुकी है और मसाले भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कवर नहीं करेंगे और इसे हाई फ्लेम पर हम 1 से 2 मिनट ही पकाएँगे। और 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसमें डाल देंगे काली मिर्च की पाउडर और काला नमक, और इन सभी चीज़ों को भी हम 1 मिनट तक पकाएंगे हाई फ्लेम पे। तो आई होप कि आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।